सिवारे जी तो हमें मिले थे परमानंद राय के पास। नहीं नहीं ये नहीं है, हमें मालूम है गड्ढा क्यों खोदा गया और पूरे प्रदेश में जो देश है वो भी मालूम है, लेकिन ये आपकी गलती है जब सिर्फ 20 मूर्ति वाले एक भी मूर्ति समस्या ये हो गई थी कि अभी नगर पालिका के द्वारा और डीएम साहब के आदेश थे कि गड्ढा खुदवा के मूर्ति दफनाई जाएंगी, पर अभी हमारी मांग ये हुई है कि मूर्ति ना दफनाई जाए। डीएम साहब के भी आदेश आ गए हैं कि उन लोगों ने हमारी बात रख ली है, गड्ढा इसलिए खुद रहे हैं जो मूर्ति में ये पन्नी हुई और पट्टी अट्टी जवारे हुए ये सब उसके लिए, और बाकी डीएम साहब ने और यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों की मांग रख ली है कि जाके मूर्ति सराएंगे, मूर्ति में दो लोग रहेंगे जो मूर्ति के कमेटी के दो लोग हैं, बाकी नगर पालिका के कर्मचारी रहेंगे। कोई विवाद की बात नहीं है, वो 15 तारीख और 16 तारीख के बीच में थोड़ा इन लोगों में कंफ्यूजन रहा, कल 12 मूर्तियां विसर्जित हुई और आज लगभग 112 के आसपास और आनी है, 120 के आसपास। तो कल पॉलिथीन बहुत फेंक रहे थे पानी में, तो उसी को व्यवस्था करने के लिए, फूल माला की व्यवस्था करने के लिए गड्ढा किया गया है। इन लोगों का यह कहना है कि मूर्तियों को अंदर तक ले जाइए, उसमें उसके लिए बताया जा रहा है कि एनजीटी का जो निर्देश है उसका भी आप लोग ध्यान रखें, इस बार नाव से ले जाके मूर्ति वहाँ किनारे हमारे स्टाफ के लोग करेंगे विसर्जन, लेकिन फूल और पॉलिथीन इत्यादि जो है वो पानी में नहीं फेंकना है, उसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों से वार्ता भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है।